वो क्या होगा, वो कोयले की तरह कमजोर होगी। यस यस ओके। अनदर फाइंडिंग, एक और फाइंडिंग मैंने पाया कि अपना आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट 3 विलेजेस एवरी डे इन हरियाणा इन द लास्ट 1.5 मंथ। पिछले 1.5 महीने में मैं तकरीबन रोज हरियाणा के 3 गांव में जाता हूं, जस्ट टू अंडरस्टैंड हमारा समाज कौन सी दिशा में जा रहा है। सो वन थिंग आई ऑब्जर्व, देर आर 2 फाइंडिंग्स ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। पहली बात, मेरे को लोगों ने कहा कि सर जैसा पहले प्रेम होता था आज उतना प्रेम नहीं रहा। एंड द सेकेंड थिंग इज, कहते जैसा 25-30 साल पहले पानी का स्तर था आज वो नहीं रहा। द वॉटर लेवल इज गोइंग डाउन हर साल, और आज ये स्थिति है कि 250 से 400 फुट नीचे तक पानी का स्तर जा चुका है। यस यस। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट आर यूथ एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द माइंड। देखिए आज बहुत बार हम लैक कॉन्शियसनेस में जी रहे, हाय मेरे पास नहीं है। देर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स दैट वर शोन हियर, आप में से सबको लगता होगा मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो यू नो दिस लैक कॉन्शियसनेस ब्रिंग्स एक अभाव की मानसिकता हमारे अंदर लेके आती है कि हमारे पास नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत लोग काफी यंग हैं, जब मैं 15-20 साल का था मैंने कभी डिप्रेशन वर्ड नहीं सुना था, आज ये ऑलमोस्ट फैशन बन गया है। हम लोग घर में टीवी सेट लाते हैं, सोफा सेट लाते हैं, डाइनिंग सेट लाते हैं और खुद अपसेट रहते हैं। तो हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम कभी कभी अभाव में रहते, वी आर एक लैक कॉन्शियसनेस में है। और आज हमारा यूथ काफी डिप्रेशन में जा रहा है। कैसा डिप्रेशन, सब सोचते हैं अरे हाय मैन दिस इज अ डिजीज विच आई थिंक मेडिकल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी आई होप कैन फाइंड अ सोल्यूशन फॉर, एंड दैट इज हाय मैं बेचारा, हाय मैं बेचारी। हम सोचते हैं मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, इस स्कूल में परिवार में मेरी तो इतनी इज्जत नहीं है। हाँ, मुझे तो सुबह से किसी ने फोन तक नहीं किया, मेरे को तो जी किसी ने सुबह से चाय तक नहीं पूछी, आज तो मेरी किसी ने फेसबुक पोस्ट तक लाइक नहीं की, हाय मैं बेचारा। सो दिस सेल्फ पिटी ये जो है, दिस इज करोजन। आप लोग सब करोजन समझते हैं, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज करोजन? यस 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 गुड। तो ये दिस सेल्फ पिटी इज करोसिव, ये हमको अंदर से खोखला करती है, राइट? सो वी विल डू अ स्मॉल थिंग। देखिए आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, जो ऐसी विशाल परंपरा जैसी इंडिया है उसका एक वंशज है, ही डज नॉट नीड टू हैव एनी सेल्फ पिटी। अभी आपके साथ शेयर किया कि यूनिवर्सिटीज आर क्रिएटिंग सैटेलाइट्स विच आर गोइंग इन टू स्पेस, सो डेफिनेटली हम बचा रहे नहीं है। यस नो यस। सो दिस आई जनरली डू इट इन स्मॉलर ऑडियंसेस, सो एवरीबडी जस्ट टेक आउट योर राइट हैंड, सब अपना दाहिना हाथ उठाएं, दाहिना हाथ उठाएं, इस बेचारे या बिचारी को निकाले, जस्ट पिक दिस अप, बेचारा बिचारी जो है, स्वाहा 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 स्वाहा। सो मैं
एक बात कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपने तय कर लिया मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, उस दिन ये जो डिप्रेशन है आपके आसपास भटक नहीं सकता। यू नो हम इसलिए डिप्रेस है, आप हरियाणा के फ्यूचर को सोच सोच के या देश के फ्यूचर को सोच सोच के डिप्रेस है क्या? नहीं, कैसी बातें कर रहे हो सर, अपने बारे में सोच सोच के हम डिप्रेशन में है। यस नो यस। एंड अनदर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर इज, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप, आज तो मेरा परफेक्ट डे नहीं है, सुबह ही मम्मी से लड़ाई हो गई थी, मेरी स्कूल बस लेट हो गई थी, मेरी टीचर ने मुझे बाहर खड़ा कर दिया। टुडे इज नॉट माय परफेक्ट डे एंड ऑल आवर लाइफ वी आर वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट डे टू कम। हम इंतजार कर रहे हैं कि मेरा परफेक्ट डे आएगा तब मैं जीवन में अपना शत प्रतिशत दूंगा या दूंगी। यस नो यस। बिलीव मी, द डे यू स्टार्ट गिविंग योर 100% इज द परफेक्ट डे ऑफ योर लाइफ। या सो वी नॉट वेट फॉर अ परफेक्ट डे, we start giving our 100% and our life will become perfect. You get me? Yes. I will go back to my last talk of what I was sharing was about self-pity. You know, this is a universal principle. Even if I, being an adolescent teacher, if I start thinking, अरे मैं तो पहले हांगकांग में था, मुझको हिसार में भेज दिया यार, so if I also start thinking about myself, I can guarantee you by the end of the day, even I could be in depression. उससे ज़्यादा हमको और कुछ नहीं करना। We simply have to start thinking about ourselves to be. Hello, yeah. But if we start doing something for society, this could totally turn around. So are we ready to take responsibility for society? Yes. Yes. Some people are. You know, we typically think I am not responsible. ये मैं मेरी responsibility नहीं है, मैं इसके शत प्रतिशत नहीं देना चाहता या दे रहा या दे रही, क्योंकि मेरे बचपन में मेरा दोस्त या बहन किताबें फाड़ देती थी, मेरे पेरेंट्स की गलती है, मेरे टीचर्स की गलती है, मेरे फैकल्टी की इसकी उसकी सबकी गलती है, पर मेरी गलती नहीं है। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए 25-30 साल पहले जो प्रेम था आज नहीं है, डिप्रेशन नहीं था आज है। दिस नेक्स्ट 25-30 ईयर्स बिलोंग टू ऑल ऑफ यू। यू गेट दिस? सो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट 25-30 ईयर्स। आप क्रिएट करेंगे जो दुनिया आप जीने वाले हैं, उसमें किसी को दोष देके नहीं काम चलेगा। नाउ आई वॉन्ट टू टच अबाउट अ सब्जेक्ट विच इज रियली अ बर्निंग सब्जेक्ट। वो ये है कि हमारे बीच में आज बहुत ड्रग्स फैल रहे हैं। आई वुड वॉन्ट यू टू गिव दिस टॉपिक द अटेंशन इट डिजर्व्स। बहुत लोग बोलते हैं, अरे जी सर वो ड्रग्स जो है ना वो पंजाब से आया। हाँ हाँ, पंजाब से आया तो पंजाब में वापस चले जाएगा क्या? समाज अपने आप ठीक नहीं होता है, उसको ठीक करना पड़ता है। दिस ड्रग्स दैट हैव कम इनटू आवर सोसाइटी, वो अपने आप वापस घटने वाला नहीं है। हम उसके बारे में कुछ करेंगे तो परिवर्तन आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है। सो आर वी रेडी टू शोल्डर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस नो? वेरी गुड, दोस्त किड्स आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड। सो हाउ कैन वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं आपको ये कहता हूं कि आज के दिन सबसे जरूरी हो गया, मेरा
आज सुबह का ही फर्स्ट थॉट फॉर द डे टुडे वाज नशा मुक्ति ही देशभक्ति। सब बोलो मेरे साथ, नशा मुक्ति ही देशभक्ति। हम सोचते हैं हमको अपने देश के लिए कुछ करना है तो किसी पिक्चर में जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है वैसा करना पड़ेगा, या हम सोचते हैं हमको कोई फेसबुक पे या व्हाट्सएप में देशभक्ति का मैसेज आता है उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा। मैं आपको कहता हूं कि हमारे देश को देश के दुश्मन अंदर से खोखला कर रहे हैं। हमारी नस्लें भी बर्बाद हो रही हैं, हमारी फसल भी बर्बाद हो रही है। सो फॉर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग जिम्मेदारी लें और फाइट अगेंस्ट दिस मेलेंस ऑफ ड्रग्स। तो आपको बहुत खुशी होगी ये जान के कि हमारे गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी 19 तारीख को इसी कैंपस में एक वर्ल्ड वाइड अभियान छेड़ने वाले हैं ड्रग्स फ्री इंडिया का। देखिए जब महात्मा गांधी ने सॉल्ट बनाया था तो लोगों ने सोचा हाँ वो उधर थोड़ा नमक बनाने जा रहे हैं। वो किस चीज की शुरुआत करने जा रहा था कोई इमेजिन नहीं कर सकता था। वैसे ही आज जो यहां से शुरुआत होगी 19 तारीख को सुबह 11 बजे, व्हाट टर्न ऑफ इवेंट्स इट विल ब्रिंग वी कैनॉट इवन स्टार्ट टू इमेजिन। सो आई इनवाइट ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दैट एंड कम फॉर द ड्रग फ्री इंडिया कॉन्क्लेव दैट वी आर गोइंग टू डू स्टार्टिंग फ्रॉम हिसार। सो वी कैन बी प्राउड अबाउट इट। आपको मालूम है जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में बहुत हिंदुस्तानियों को मारा था। जिन्होंने जनरल डायर को जाके मारा उनका नाम था उधम सिंह, उनका गांव था सनाम, और सनाम का कोई व्यक्ति अगर फटे कपड़ों में भी बस में जा रहा होता था उसके बाजू में कोई बैठा होता और मान लो कभी ऐसा होता कि गंदे कपड़ों में आपके बाजू बैठा आपको मतलब थोड़ा साइड हो यार, तो उनका स्टेटमेंट होता था पंजाबी में बोलते हैं पाटे लीड़े ना जानी पिंड सनाम है, मेरे फटे कपड़ों पे मत जाना मेरे गांव का नाम सनाम है। तो दिस इज दैट मोमेंट जब आपको लगेगा आप किसी से आप बताएंगे कि हम हिसार से हैं तो आप बता सकते हैं वही हिसार है जहां श्री श्री रविशंकर जी ने ड्रग फ्री इंडिया का कैंपेन शुरू किया था और हमने आने वाली नस्लों को बचाया था। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि मेरे साथ भारत की जय करेंगे, भारत माता की जय, अच्छे से देश के लिए हाथ नहीं उठता क्या हमारा, भारत माता की जय। अरे लंच खाया था क्या, मिलता था क्या मन से लंच मिला था तो बोलो ना यार, हमारा देश है ये, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सो आई विल रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स हियर टू गिव यू द इनविटेशन फ्लायर्स, प्लीज इफ यू कैन ऑल माय कोलीग्स कैन स्प्रेड आउट।